जी बिल्कुल, निफ्टी पे तो आपको आज ज्यादा कमाई हुई नहीं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेंड है। कल की क्लोजिंग के हिसाब से मात्र 2 पॉइंट ही ऊपर चढ़े हैं, लेकिन जो स्टॉक चढ़ गया वो है M&M। नतीजों के बाद ब्रोकिंग हाउसेस के अपडेट्स आ गए और निफ्टी पे सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक साबित हो रहा है, 4% की तेजी है। और यही नहीं, 2017 के उच्चतम स्तर पर रूल कर रहा है, 1419 का लेवल। अल्ट्राटेक सीमेंट दूसरा स्टॉक जो निफ्टी पे तेज हुआ है। IOC इस स्टॉक पे तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि MSCI इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। इसके अलावा पावर ग्रिड में 208 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। चार स्टॉक्स निफ्टी पे बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इस शो में आपको बताएंगे कि किन छोटे शेयर्स में पैसा बनेगा, कहाँ पर प्रॉबिबिलिटी है कि यहाँ पर तेजी और बढ़ती हुई नजर आएगी। खबरों वाले शेयर्स, उन पर इम्पैक्ट, उन पर रणनीति। फोर्टिस हेल्थ केयर नतीजे आए हैं कंपनी के, मैनेजमेंट मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट लिंक हम करेंगे जिसमें ये सामने निकल के आया है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपने अगर 10 लाख की राशि निवेश की होती तो वो राशि आज बढ़कर होगी होती 3 करोड़। ऐसे कौन से शेयर्स हैं उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कमाई वाला FNO सौदे बताएंगे। इनफैक्ट आज बताएंगे FNO स्ट्रैटेजीज अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज की क्या हैं, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो भी रणनीति शो में बताई गई FNO में उसमें काफ़ी स्ट्रांगली रिटर्न्स बनते हुए नजर आए हैं। ब्रोकर्स रिटायर भी होगा, लेकिन फटाफट से रिलायंस कम्युनिकेशन देख लेते हैं निचले स्तरों से। यहाँ पर फिर से दिन के निचले स्तरों पर पहुंचा है, ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है और 1860 के लेवल पे 7% की तगड़ी गिरावट। मूडीज ने भी यहाँ पर रेटिंग घटा दी कंपनी की, उसका इंपैक्ट आज स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 7% के आसपास की गिरावट इसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस पे देखने को मिल रही है, अब तक के निचले स्तर पर पहुंचा है। स्ट्रॉन्ग बिकवाली आज के सत्र में, न्यूज फ्लो है स्टॉक में, एक दिन चढ़ता है तो अगले दिन दोगुनी रफ्तार से यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। मूडीज के डाउनग्रेड की खबर के बाद शेयर टूटा और एक महीने में 40% साफ हो चुके हैं। कुछ स्टॉक्स जो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्टिव है वो भी देख लेते हैं स्मॉल कैप रेडार। फर्टिलाइजर स्टॉक्स का दिन है आज, चंबल फर्टिलाइजर, RCF, GNFC और मद्रास फर्टिलाइजर इसलिए चढ़े क्योंकि बेहतर मॉनसून की उम्मीद है अब और इन सभी स्टॉक्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। गोवा कार्बन आज का सुपर शेयर है, सुबह 9:30 बजे आपको बताया गया जी बिजनेस पे स्टॉक मोमेंटम बन गया, 6.5% की कमाई हो गई। इसके अलावा टेक सॉल्यूशंस निचले स्तरों से कुछ पलटता हुआ नजर आया है, चुनिंदा IT स्टॉक्स पे पुल बैक है। टेक सॉल्यूशंस उसमें से एक जो 6.5% की तगड़ी कमाई करा रहा है आज। वीनस रेमिडीज यहां पर भी एक पुल बैक है, फार्मा शेयर्स पे वैसे भी लगातार पिछले कुछ 2 ट्रेडिंग सेशन से पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुथुट फाइनेंस एक और स्टॉक, सभी एम एवरेजेस के ऊपर आके कामकाज कर रहा है, इस स्टॉक में तेजी बन रही है। और HDL यहाँ पर तो न्यूज फ्लो स्ट्रांग होता चला जा रहा था, इनफैक्ट 200 करोड़ के जो है वो शेयर्स कंपनी प्रमोटर्स को जारी करने जा रही है, उसका एक इम्पैक्ट है, इसमें तेजी बनती हुई नजर आई। और नतीजों का असर देखिए आप, BEML 8% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट 8.5% ऊपर, जेट एयरवेज शुरुआती सत्र में लाल निशान में था अब 2% ऊपर आ चुका है, टाटा ग्लोबल 2% की तगड़ी कमाई करा रहा है। मेरे साथ लवलेश जी इस समय मौजूद हैं, लवलेश शर्मा एपिक रिसर्च से। लवलेश जी बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, एक फ्लैट ट्रेंड, एक रेंज क्या प्रेडिक्ट की है आपने जिसपे कामकाज होगा सर? वेरी गुड मॉर्निंग रजत जी, देखिए जो रेंज आ रही है थोड़ी सी हायर है, जिस तरह से हमने OI में जो एक्टिविटी देखी, आई थिंक 9700 ऑन द हायर साइड, 9800 पे एक्टिविटी देखी, जबकि नीचे में हम 9500 9400 देखते हैं। तो कोई सी भी डिप या ऐसा बोल लें कि 9550 9600 अगर मार्केट सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम ऊपर की रेंज हिट करें इन कमिंग डेज। सो आई थिंक 9600 इज़ अ लाइन इन द सैंड, इसके नीचे क्लोज होते हैं तो वी मे बी साइडवेज। जब तक कि 9600 के ऊपर है मैं ऑन द हायर साइड टूवर्ड्स 9740 9800 तक के लेवल्स देखना, मतलब मे बी इन अ वीक वी कैन सी 100-150 पॉइंट्स रैली। आपसे बातचीत जारी रखूंगा काउंटर स्पेसिफिक, लेकिन इसी बीच फोर्टिस हेल्थ केयर के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए वो मैं फटाफट से इसमें बता दूं क्योंकि मैनेजमेंट मेरे साथ मौजूद है। Q4 लॉस जो है वो 37.52 करोड़ हुआ है, जो कि घटा है 87.6 करोड़ से, घटकर ये लॉस की फिगर आई Q4 में Y&Y बेसिस पे। कंसोलिडेटेड इनकम में 1123 करोड़ कंपनी रिपोर्ट की है, 1070 करोड़ के मुकाबले Y&Y बेसिस पे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्टिस हॉस्पिटल का लिमिटेड का भी अधिग्रहण किया था कंपनी ने, तो नतीजे देखने होंगे कि मैनेजमेंट पे क्या बयान देती है। मेरे साथ इस समय भवदीप सिंह जी जुड़े हैं, CEO फोर्टिस हेल्थ के। सर बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। ये Y&Y सेट ऑफ रिजल्ट्स का कंपेरेबल है सर, फोर्टिस हॉस्पिटल का जो अधिग्रहण किया था आपने, आपका फर्स्ट डे के नतीजों पे सबसे पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो जैसे आपने जिक्र किया, यू जस्ट मेंशन, जो हमारे रिजल्ट हैं दे आर कॉम्पेरेबल टू लास्ट ईयर, जो पिछले साल के हमने रिपोर्ट किए थे पिछले फॉर द फोर्थ क्वार्टर,
रिजल्ट्स आर सिमिलर, नंबर्स आर सिमिलर. हमारा जो बिजनेस का जो इम्पैक्ट हुआ है इज बिन द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन हिट जैसे आपको मालूम है नवंबर, अर्ली नवंबर, टिल नवंबर एक्चुअली जो हमारा बिजनेस था क्वार्टर वन क्वार्टर टू काफ़ी सॉलिड था. इनफैक्ट क्वार्टर टू वॉज अ रेकर्ड क्वार्टर फॉर अस एंड द परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग एंड थिंग्स वर गोइंग क्वाइट वेल. आई थिंक डिमोनेटाइजेशन का थोड़ा स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट हुआ है. इट्स टेकन अ बिट ऑफ टाइम टू गेट पास दैट. टुडे एज वी लुक बैक ऑन क्वार्टर फोर, जनवरी का जो महीना था दैट वॉज एक्चुअली अ वेरी पुअर मंथ. आई थिंक दैट दिवाली के बाद, न्यू ईयर के बाद आई थिंक पीपल हैड टू एडजस्ट द स्पेंडिंग पैटर्न. द कैश इकोनॉमी जो थी, पीपल एडजस्टिंग टू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दूसरे वगैरह जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है. एंड आई थिंक बाई वर्चू ऑफ दैट आई थिंक क्वार्टर फोर थोड़ा चैलेंजिंग था. द नंबर्स फॉर द ईयर इफ यू लुक और EBITDAC नंबर जो हम कहते हैं हैज गॉन अप बाई अबाउट 8-9%. Our revenues has a good solid growth of 9-10%. So I think that overall the year has been a good year. Quarter four challenging tha for sure, no doubt about that. But now April has been very good. May is actually better than that. So I think jaise as we look forward to 17-18, I think we see some very good numbers going forward. लेकिन सर अब वही आने वाले समय के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, कितना कैपेसिटी, कितना एक्सपेंशन जो हॉस्पिटल्स का कंपनी करने जा रही है आने वाले एक साल में अगर मैं पूछूं तो. देखो टुडे वी ऑपरेट अबाउट 4500 बेड्स. हमारी जो ग्रोथ है जैसे हमने पहले बोला, वी आर फोकसिंग ऑन ब्राउन फील्ड ग्रोथ. इसका ये मतलब है कि दैट वी आर नॉट एडिंग न्यू हॉस्पिटल्स बट वी कैन ऐड बेड्स टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन दैट वी हैव. सो दे एक हवस अस्पताल है इन चेन्नई इन आरकॉट रोड जो बन गया है. सो इट्स ए न्यू हॉस्पिटल दैट वॉज ऑलरेडी मेड, दैट्स गोइंग टू गेट लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. उसके बाद नथिंग न्यू बियॉन्ड दैट. इन बनागटा रोड इन बैंगलोर वेर एडिंग 100-150 बिस्तर वहाँ ऐड करेंगे. शालीमार बाग वेर एडिंग बेड्स, नोएडा वेर एडिंग बेड्स. सो आई थिंक टोटल आर बेड काउंट वी विल ग्रो बाई बिटवीन 12-15%, 12-15% के ग्रोथ की आएगी. सो दैट्स द ग्रोथ पीस ऑफ इट. ऑन अ रेवेन्यू बेसिस जो हमारी, आई टोल्ड यू दैट दिस पास्ट ईयर वी ग्रो 8%. आई थिंक जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ होगी फॉर दिस ईयर वी शुड बी डबल डिजिट, मतलब 10-12% का होगा. वी शुड सी गुड सॉलिड ग्रोथ फ्रॉम रेवेन्यू परस्पेक्टिव. एंड आई सर्टनली थिंक जो हमारा EBITDA EBITDAC नंबर हम रिपोर्ट करते हैं, आई थिंक यू अगेन सी डबल डिजिट ग्रोथ देयर. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन आउटस्टैंडिंग ईयर. ग्रोथ विल बी गुड, रेवेन्यू जनरेशन विल बी गुड, एंड आई थिंक बॉटम लाइन विल बी गुड एज वेल. SRL के डीमर्जर पे क्या अपडेट है सर, क्योंकि फरवरी में बात हुई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर डीमर्जर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अब क्या स्टेटस है? स्टेटस वही है जो हमने पहले बताया था. उस वक्त भी हमने बोला था कि जो डीमर्जर है SRL की, वी हैड सेड दैट वी आर लुकिंग फॉर कंप्लीशन इन जुलाई ऑगस्ट. एंड एट अ हाई लेवल टाइमलाइन वही है, इट कंटिन्यूज, प्लान इज ऑन ट्रैक. वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कैन अनलॉक वैल्यू. शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करता है वो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं. सो दिस हेल्प्स फ्रॉम अनलॉकिंग वैल्यू परस्पेक्टिव बिकॉज यू हैव SRL इज अ पार्ट ऑफ फोर्टिस. टुडे अलग करोगे बोथ एंटिटीज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देयर सर्टनली गुड वैल्यू फॉर एवरीबडी. सो टाइम लाइन इज गुड, वी सी इट हैपनिंग जैसे हमने बोला था, सम टाइम इन जुलाई ऑगस्ट टाइम पीरियड. सर एक सवाल होगा आपसे, प्रमोटर्स की स्टेक सेल की जो खबर है ना वो इस समय बहुत ज़्यादा गर्म होती चली जा रही है, और इनफैक्ट मॉरिशस की कंपनी का नाम भी आ रहा है जो स्टेक सेल की प्रक्रिया में शामिल हो रही है. कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे, कुछ ऐसी योजना है क्या फोर्टिस के प्रमोटर्स की स्टेक सेल के प्रति? देखो ये तो सिर्फ खबर ही है, इट्स स्पेक्यूलेशन. एंड आपने भी पढ़ा है, हमने भी सब पढ़ा है. एंड आर प्रोमोटर्स आर एक्सप्लोरिंग. देखो एनी कंपनी, कोई भी जो कंपनी होती है जो प्रोमोटर होते हैं, यू ऑलवेज कंसिडर कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कोई पार्टनरशिप कुछ करना चाहे किसी तरीके का. सो दैट समथिंग दे विल कंसिडर, बट देयर इज नथिंग. अभी तो सिर्फ स्पेक्यूलेशन है. वन थिंग आई कैन टेल यू कि चाहे जो भी हो या नहीं हो, कुछ भी हो, जो भी हो, आर अप्रोच टू पेशेंट केयर, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम इज स्टेइंग कंसिस्टेंट. जो स्ट्रैटेजी है, जो फिलॉसफी है, दैट डजंट चेंज. सो आई थिंक इट्स स्पेक्यूलेशन, अभी देखते हैं आगे क्या होता है. एंड आई एम श्योर एज थिंग्स कम अप विल सर्टेनली रिपोर्ट देम, बट एट दिस टाइम नथिंग मच टू शेयर. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए. साथ ही साथ ग्रोइंग फॉरवर्ड क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के, क्या भविष्य है उसको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब तो यहाँ पर बात यही है कि नतीजे जो हैं, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्वार्टर फोर में पड़ा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ तिमाही में बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स फोर्टिस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
अभी फिलहाल के हिसाब से सिर्फ मीडिया स्पेकुलेशन है स्टेक सेल की प्रमोटर्स की, लेकिन अगर कोई बहुत बेहतर यहाँ पर कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये प्रोबेबिलिटी हकीकत में भी कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा। फिलहाल फोर्टिस जो है वो 197.50 के लेवल पे इस समय रूल कर रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तगड़ी कमाई हो रही है उसमें फर्टिलाइजर शामिल है। लवली जी, आपका एक टेक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आज के सेक्टर में, आज जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी बन रही है फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही है। एनएफएल देख लीजिए, चंबल, आरसीएफ, सभी में तेजी है, मानसून का ट्रिगर है, तेजी भी और बढ़ेगी क्या, और कोई एक स्टॉक जो आपके रडार पर है? राइट, चंबल फर्टिलाइजर पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, ये काफ़ी कुछ बाय ऑन डिप्स ही है, कोई सी भी डिप आती है 120 के नीचे जहाँ भी ये स्टॉक दिखता है मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है 52 वीक हाई का, 115-116 शॉर्ट टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम ऊपर में इसमें यू नो पोजिशनल बेसिस पे 135-136 तक के लेवल देखते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में भी इंट्राडे और ऑन स्विंग बेसिस आई स्टिल बिलीव 125-126 इस स्टॉक में दिखना चाहिए। चलिए, लेकिन रोज बरोज आपके लिए एक स्टॉक लग रहा है जहां पर वैल्यू काफी आकर्षक होती है, वो बताने के लिए सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं आज का स्टॉक। शुक्रिया रजत। आज जो कंपनी चुनी गई है वो फार्मास्यूटिकल स्पेस से है, हिकाल लिमिटेड को चुना है। चुनने की वजह, पहले तो शेयर हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर आप वैल्यू देखें तो 252-253 के स्तरों पे शेयर होता था, अब 200 रुपये आ चुका है, यानी करीब 20-22% के आसपास करेक्शन हायर लेवल से शेयर ने ऑलरेडी दिखाई है। नंबर्स देखिए, 2.5 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ा है वाई बेसिस पे, और 1.5 गुना करीब करीब रेवेन्यू भी इस क्वार्टर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, सालाना आधार पर भी और तिमाही आधार पर भी। एक स्ट्रॉन्ग कैश कंपनी के पास है और एक अच्छे कैश फ्लो, करीब 45 रुपए के आसपास ही कैश ईपीएस है, डेट फ्री स्टेटस ऑलमोस्ट है, तो अच्छे कैश फ्लो जनरेट भी करती है और अच्छा कैश ईपीएस भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉपरली करती है। 70% करीब की प्रमोटर की हिस्सेदारी है, और सबसे क्रूशियल चीज यह है कि लगातार जिस तरह से फार्मास्यूटिकल में गिरावट देखिए, एक अच्छी वैल्यू पर भी ये शेयर अवेलेबल है। अगर वैल्यू वाइज देखिए तो मौजूदा ईपीएस करीब करीब 16 रुपए के आसपास की है, और रफली शेयर जो है 12-17 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर यूजुअली 40 के मल्टीपल कामकाज करता है। तो एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पे भी देख सकते हैं, 250 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी जा रही है। चलिए, तो 250 की के टारगेट्स हैं, और यहां से फेयर वैल्यू इस स्टॉक की काफी ऊपर निकल के आती है, स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। पोजीशनली कॉल दी गई है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे दिन के उच्चतम स्तर पे आ चुका है। लवली जी, एक आपका कमेंट हिकाल पे। राइट, इंट्राडे बेसिस में 215-216 जो आपका टारगेट है आई थिंक वेरी एक्यूरेट है। 250 इस स्टॉक में काफ़ी कुछ पॉसिबल है, नीचे में 199 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चार्ट का फॉर्मेशन भी यही बोल रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक 240-250 काफ़ी यू नो जल्दी टेस्ट कर सकता है, तो आई थिंक इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TCI, इस स्टॉक पर नजर रखें, एकदम से तेजी पकड़ी और ये तेजी बहुत स्ट्रांगली बढ़ती हुई नजर आ रही है। 297 के लेवल पे इस समय TCI जो है वो पहुंच चुका है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 297 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लवली जी, एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, ये तेजी इंट्राडे बेसिस पे और बढ़ेगी क्या? राइट, मेरे ख्याल से बढ़ सकती है, इसने प्रीसीडिंग डे के वॉल्यूम को तो यू नो एक बार टेक ओवर कर लिया, तो आई थिंक पार्टिसिपेशन हायर रहेगा। 304-305 एक बार टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक, मे बी इन इंट्राडे बेसिस, और इंट्राडे बेसिस तो नहीं भी हो तो आई थिंक इट्स अ बाय, बिकॉज 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, तो 305 इज पॉसिबल ऑन द चार्ट्स। एक स्टॉक पे वॉल्यूम थिन होते हैं, लेकिन आप उस पर नजर रखें, जॉनसन कंट्रोल हिताची, क्योंकि ये अब नए लेवल्स छू रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 2100 के लेवल पे पहुंच चुका है। नतीजों का इंपैक्ट आज के सत्र में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे है, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स और BEML दोनों स्टॉक पे मूव काफी पॉजिटिव है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और BEML अभी भी बेहतर ट्रेड कौन सा है? यूनाइटेड स्पिरिट्स आई थिंक बेहतर है, और साइडवेज कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, 2270 एक इनिशियल रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, 76 पे ट्रेड भी कर रहा है। इसका टारगेट काफ़ी कुछ यू नो एक 200-300 पॉइंट ऑन द हायर साइड आता है, जो 2500 तक का हमको देता है ऑन पोजिशनल बेसिस। बस इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि 2320-2340 इस स्टॉक में दिखना चाहिए। चलिए लवली जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर? आई थिंक आपने IOC की बात करी थी, आई एम ट्रैकिंग दिस पर्टिकुलर काउंटर, जिस तरह से ये यू नो MSCI में जा भी रहा, आई थिंक IOC इज अ बाय ये स्टॉक में, कहीं ना कहीं 420-410 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जिस तरह से हमने लास्ट सीरीज का जो रोल ओवर देखा है, इट्स अ बाय। आई थिंक 450-455 IOC में मैं लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ, जबकि बैंकिंग में आई थिंक एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द काउंटर्स जो आपके रडार पे होना चाहिए, ऑन द लोअर साइड ऑफ ट्रेडिंग रेंज मिल रहा है। एक्सिस बैंक में मेरा आने वाली जून सीरीज में टारगेट
530 से 535 तक का रहेगा, 500 उसमें स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए, लेकिन रोज ब्रोज आपके लिए एक एफएनओ रणनीति भी लेकर आते हैं। पहले तो मैं आपको एफएनओ अपडेट बता दूं, क्योंकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में जो भी कॉल दी उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। सोमवार को आपको बताया गया था कि यूबीएल पे, यूनाइटेड ब्रूरीज पे खरीदारी करें। अब इसमें जो टारगेट है 820 का दिया गया था वो हिट हुआ, यानी कि 26,600 प्रति लॉट यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आया। एलआईसी हाउसिंग कल के सत्र में नितिन मुरारका साहब की राय थी कि एलआईसी हाउसिंग खरीद लीजिए, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और यहाँ पर आज के हाई के हिसाब से लगभग 22,000 रुपये का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जनरेट करके दिया है। तो दोनों ही कॉल्स काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। हमने आज मार्केट्स में जानने की कोशिश की नितिन जी से कि यहाँ पर करना क्या चाहिए, तो एसएमसी ग्लोबल की तीन राय आई है और तीनों ही खरीदारी की साइड पर है। या तो आप निफ्टी जून 9700 की कॉल खरीद लीजिए, इस केस में भी 9575 से 9580 का एक स्टॉक प्लस आपको स्पॉट के हिसाब से रखना होगा निफ्टी पे, तो नेकेड कॉल ऑप्शन 9700 की खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो 9700 की कॉल बेचें, 9600 की कॉल खरीदें, इसमें भी कमाई हो सकती है। हालांकि यहां पर मिनिमम रिस्क में काम हो जाएगा और यहां पर प्रॉफिट पोटेंशियल भी थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी इस रणनीति में भी आपको स्टॉप लॉस 9580 का ही रखना है। तेजी की रणनीति है ये, स्ट्रैप बना सकते हैं आप, 9700 की कॉल के दो लॉट खरीद सकते हैं, 9600 की एक कॉल बेच सकते हैं, ये भी तेजी की ही रणनीति है। यानी कि ओवरऑल आप मोटा मोटा ये समझें कि बाजार पे तेजी की रणनीति एसएमसी ग्लोबल सजेस्ट कर रहा है, और ये तीनों ही रणनीति जो आपको बताई गई है वो तेजी की साइड पे हैं। तो इन तमाम रणनीतियों पे आप कोई भी इनमें से एक चुन सकते हैं, बाजार पे तेजी भी और बढ़ने की संभावना है। आज की कॉल आशीष चतुर्भुता साहब की है, उनका कहना है कि पिरामल एंटरप्राइजेस इस स्टॉक पे नजर रखें, ये एफएनओ में इस समय काफी स्ट्रांगली बज कर रहा है, और जिस तरीके से एक पुल बैक यहां पर स्पेस में आता हुआ नजर आया, क्लियर कट बेनिफिट अब पिरामल एंटरप्राइजेस को होता हुआ नजर आएगा। आपको 27.35-27.30 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ये तेजी पकड़ ली इसने तो 2800 के पार जाएगा, और उसके बाद 2860 तक के लक्ष्य जो है पिरामल एंटरप्राइजेस पे देखने को मिल सकते हैं। तो तमाम रणनीति वायदा कारोबार से जुड़ी हुई, पिरामल एंटरप्राइजेस आज की बाय कॉल है। लवली जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। बाजार बिल्कुल फ्लैट है, एमएनएम इस समय लीड कर रहे हैं मार्केट पे, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक निफ्टी पे साबित हो रहा है।